सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। 8th क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24, दो काटते हुए असमान वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा खींचो। लास्ट वीडियो में हमने दो असमान स्पर्श करते हुए वृत्त की बाहरी स्पर्श रेखा बनाई थी। अभी स्पर्श करते हुए नहीं है, काटते हुए आपस में दूसरे को काट रहे हैं और उनसे बाहर से हमने स्पर्श रेखा खींचनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो दो काटते हुए हम वृत्त ले लेते हैं। एक वृत्त हमारा बड़ा बनेगा, दिया हुआ है इस तरह से, इस वृत्त का हम नाम दे देते हैं ए। एक वृत्त में छोटा यहां बना लेता हूं, इसको काटता हुआ वृत्त हम बना लेते हैं एक यहां पे, यहां देख सकते हैं। इस वृत्त का नाम हम दे देते हैं बी। तो आपने क्या करना है, ए और बी जो आपके वृत्त है, इन दोनों वृत्तों को आपने केंद्र इनके आपने मिला देने हैं और वो मिलेंगे डॉटेड इस तरह से। अब आपने क्या करना है, इस लाइन जो ये ए बी आपकी रेखा आ गई है, इस रेखा को आपने थोड़ा बाहर को बढ़ा देना है। अब कितना बढ़ाना है ये अभी फिक्स नहीं है, तो इसको थोड़ा आपने बाहर को बढ़ा देना है, इसकी हमें जरूरत होनी है, बाहर को पन्नी है इस तरह से। अब आपने क्या करना है, बाहर से स्पर्श रेखा खींचने के लिए हमने यहाँ पे न्यून कोण बनाना है। बी पर हम, ए पॉइंट पर हम एक पहले न्यून कोण बनाएंगे। न्यून कोण बनाने के लिए हम फुट्टी का सहारा लेते हैं यहाँ से, और फुट्टे से हम यहाँ पे अपने मर्जी से एक न्यून कोण हम बना लेते हैं यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा करके। इस तरह से, और इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं यहाँ पे आर। आप कितना भी ले सकते हैं, न्यून कोण होना चाहिए। और हमने क्या करना है, आर और ए जितनी जो रेखा आ रही है इसके समानांतर हमने रेखा लेनी है बी से इस तरह से। ये जो आपकी रेखा आई है इसका नाम हम दे देते हैं ई पॉइंट। इस पॉइंट का नाम हमने ई दे दिया। अब आपने क्या करना है, आर और ई को आपस में मिला देना है। अब हम इसको मिला देते हैं यहां पे डॉटेड। देखो पूछा गया है स्पर्श रेखा, तो वो डार्क आनी है, बाकी सारा कार्य आपका डॉटेड होना है। वृत्त हमारे हल्के हैं क्योंकि ये दिए गए हैं प्रश्न में, दिया गया ये देखिए यहाँ पे, ये को यहाँ पे मिल रहा है, ये पॉइंट हमारा है डी। अब जो थोड़ी सी लाइन हमारी एक्स्ट्रा ही है इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं, इसकी हमें जरूरत अब नहीं है, ये हमारा डी पॉइंट आ चुका है। अब हमने क्या करना है, ये इतना आपका आ गया है। अब हमने यहाँ पे जो ये आपकी रेखा है ए और डी, अब ये इतनी बड़ी रेखा आपकी है, इसका हम करेंगे समद्विभाजन, हम इसको समान दो भागों में बांट देंगे। तो हमने दो समान भागों में बांटने के लिए हम क्या करते हैं भाई, जो हमारी रेखा होती है जैसे ए डी रेखा है, तो हमने इसके आधे से ज्यादा प्रकार खोलनी है और एक चाप हम इस तरह से वो लगा देंगे डी पॉइंट से इस तरह से। आप पूरी भी लगा सकते हैं और हल्की भी लगा सकते हैं, जहां तक आपको लगता हो कि यहां तक हमारी प्रकार जाएगी तो आप वहां तक भी लगा सकते हैं। और अब आपने यही प्रकार जो है वो ए पॉइंट पर रखनी है इतनी खोल के, और आपने इन दो आपने जो चापे लगा रखी है इनको आपने इस तरह से काट देना है डॉटेड इस तरह से। अब जहां पे ये चापे कट रही है इनको आपने आपस में मिला देना है, एक पॉइंट हमारा ये है एक पॉइंट हमारा ये है, इनको मिला देते हैं आपस में और ये भी हमारी डॉटेड मिलेगी, ये आप देख सकते हैं
से हम इसको मिला देते हैं और जहां पे ये ए डी रेखा को ये रेखा काट रही है यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं ओ। अब आपने क्या करना है, ओ पॉइंट पर आपने प्रकार रखनी है और आप या तो उसको ए जितनी प्रकार खोल दो या फिर आप उसको डी जितनी प्रकार खोल दो। आप देख सकते हैं बिल्कुल इक्वल है, डी जितनी खोल दो या ए जितनी खोल दो आप। और अब आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे एक अर्धवृत्त लगाना है। आपकी चाप डॉटेड आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, जो ये चाप आपकी बड़े वृत्त को ए वृत्त को काट रही है परिधि पे यहाँ पे इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे के। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, के और डी आपके पास ये के पॉइंट है ये डी पॉइंट है, के और डी को आपने मिलाना है और जब आप इसको मिलाएंगे तो ये जो आपकी रेखा आएगी ये दोनों वृत्त को स्पर्श करती हुई आएगी। इस तरह से हम के और डी को डार्क मिला देंगे। जब हम के और डी को मिलाएंगे तो ये जो आपकी रेखा आएगी ये आपका जो पी वृत्त है इसको भी बाहर से स्पर्श करेगी और ये हमारा प्रश्न बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से आपने भी इसको हल करना है, सफाई का विशेष ध्यान रखना है और ये आसान प्रश्न है, पेपर में जरूर पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा आपने इसको अच्छे से जहन में रख करके बनाना है।